ओके, तो मैं जा रहा हूँ एक शो के लिए और वो शो कहाँ हो रहा है आपको थोड़ी ना पता चलेगा, लेकिन भाई साहब आज श्रीलंका इंडिया का मैच था और ये क्या मजाक हुआ है, 50 रन पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई, बताओ साहब। तो ये क्या मजाक किया है यार, मतलब 50 रन पे कौन आउट करता है यार, पूरी टीम साफ हो गई 50 रन में, बताओ। खैर तो चलो चलते हैं एंड चल कर देखते हैं कैसा है शो, एंड साउंड तो नहीं डाल पाऊंगा बिकॉज ऑफ कॉपीराइट, लेकिन देखते हैं कैसा रहता है। अरे इसको भी, तुम भी जा रहे हो क्या, कैसा लगा आज का मैच? बहुत अच्छा था, मजा ही आ गया मेरे को तो। हाँ भाई, मतलब साफ हो गया पूरा ग्राउंड, देख रहे हो पूरा चिल्ला रहा है, एंड श्रीलंका वालों को क्या हुआ होगा आज पता नहीं। खैर वो सब तो सदमे में होंगे, ऐसे कौन हारता है। खैर स्कूबी, आजकल तुम बड़े अच्छे अच्छे वीडियो डाल रहे हो स्कूबी डूबी डू। तो चलो चलते हैं एंड देखते हैं चलकर कैसा है आज का शो। तो गाइज ये है पास जिस शो में हमें जाना है, एम्स भोपाल रेटिना 23, 13 तारीख से 17 तारीख तक हम जा रहे हैं, लास्ट डे। तो हम आ गए हैं छत पे चाय पीने के लिए, ये देखिए, एंड हमें जिस शो में जाना है वो शो कहाँ हो रहा है आपको बताते हैं, वो शो हो रहा है ये ये यहाँ पर, ये पीछे एम्स हॉस्पिटल है, इसी में शो हो रहा है, ये देखिए ये सारा साउंड लगा हुआ है इतना सारा। तो ये बैक साइड है, इसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो आपको दिखाते हैं कैसा क्या सब कुछ होने वाला है। अभी तैयारियां चल रही हैं, लाइट वाइट चेक कर रहे हैं वो लोग। तो वाओ यार, तो सनमपुरी के लिए इतनी ज्यादा भीड़, तो कुछ नहीं था मुझे लग रहा है। आ जाए तुम, पहुंच गए। ये क्या है? अच्छा आईटी, हाँ अच्छा। तुर तुर तु पास निकाल लीजिएगा, यहाँ भी देखेंगे पास, अपने। अब हम यहाँ पर पहुँच तो गए, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि जो आगे हुआ वो बस देखने लायक ही है। हमें ना यहाँ से अंदर जाना था, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी कि सब धक्का मुक्का चल रहा था, मतलब कोई भी जा ही नहीं पा रहा था, सब लगे पड़े थे, सबको अंदर जाना था, और ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन बस बढ़ती ही चली जा रही थी। तो फिर हमने फैसला किया कि भाई अपन अंदर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अंदर वैसे भी जाकर सामने तो जा नहीं पाने वाले थे, बहुत भीड़ थी अंदर पहले से ही। तो हमने डिसाइड किया कि बाहर से ही देखते हैं, खड़े होकर ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फिर हम लोगों ने खाना पीना शुरू किया बाहर ही, और यहीं से शो को इन्जॉय किया, बिकॉज़ वहाँ पर अंदर पहुँचना तो मुश्किल था, और अंदर जाकर भी कोई बहुत बड़ा काम होने नहीं वाला था। तो सोचा कि चलो भाई यहीं से इन्जॉय करते हैं, कम से कम रिलैक्स रहेंगे, आराम से इन्जॉय करेंगे, क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी वहाँ पर। तो भीड़ ना हो रही थी कम और जा नहीं पाए हम। तो फिर हमने डिसाइड किया खाना पीना करते हैं, अंशु जो थे एक के बाद एक नई नई डिशें लेके आ रहे थे और हम सब इन्जॉय कर रहे थे, लेकिन अपनी सदाबहार पानी पूरी, आय क्या बात है, मज़ा ही आ गया। तो फिर यहाँ से खड़े होके शो को देखना और खाते पीते रहने का मज़ा ही अलग था, तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया, कोई गम नहीं है हमें कि हम अंदर नहीं पहुँच पाए, क्योंकि भीड़ से तो मुझे वैसे भी मतलब क्या बोले तो कंटाल आता है, मुझे भीड़ में जाना पसंद ही नहीं है। तो आराम से हम लोगों ने यहाँ खड़े होके रिलैक्स्ड एकदम, फिर इन लोगों ने ये बर्फ़ का गोला खाया और मुझे भी काफ़ी इन लोगों ने लुभाया, काफ़ी ज़िद की गई कि तुम भी खा लो, बट मैं नहीं खा सकता था क्योंकि पता है आपको। तो फिर हम वापस घर पहुंच गए और फिर हमने सोचा कि छत पे से शो देखते हैं आराम से बैठकर, तो यहाँ से बैठ के हम शो देख रहे थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे गाने गाए, जय हो शंकरा, और काफ़ी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे गाने। तो हम लोगों ने यहीं से बैठ के आराम से इन्जॉय किया, और वो देखो कितनी सारी पब्लिक थी भाई साहब, सोच रहे हो अगर हम आगे पहुँच भी जाते तो हमारा नंबर कहाँ लगता था, मतलब कुछ भी
अच्छा हुआ नहीं गए भाई, इतनी भीड़ में पता चलता मोबाइल चोरी हो रहा है, कुछ हो रहा है, ना 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 बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। तो हम तो नहीं गए, हमको पिंक लाइटें यहाँ दिख रही ना, वहीं पे हम खा पी रहे थे, तो वो जगह पे हम लोग पहले खड़े थे और फिर हम लोग यहाँ पे आ गए एंड यहीं से हम शो इन्जॉय कर रहे थे। और फिर ये सब जब जाना शुरू हो गए तो हम उनका वीडियो वगैरह बना रहे थे, से खड़े हो गए। कितना बोल रहा हूँ यार मैं, कितना फास्ट बोल रहा हूँ। तो ये देखिए सब लोग जाना शुरू हो चुके हैं, धीरे धीरे सब अपने अपने घर को रवाना हो रहे थे। एंड यहाँ पर ये कारें लगी हुई थी, तो बैक स्टेज पे जो भी आर्टिस्ट है सब यहीं से रवाना हो रहे थे धीरे धीरे। तो आज जो सिंगर आए थे उनका नाम था अमित त्रिवेदी, उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, अगर आप लोग जानते होंगे या फिर नहीं जानते हैं तो सर्च करके देखिएगा, काफ़ी अच्छे गाने हैं अमित त्रिवेदी के। तो बस हम लोगों ने यहीं से खड़े होकर इनको जाते हुए भी देखा एंड दो तीन कप चाय तो पी गए थे यहाँ खड़े होकर हम लोग आराम से, और काफ़ी सही लग रहा था क्योंकि मौसम भी बहुत सही था, ठंडा ठंडा, और आज बारिश नहीं हुई इसी कारण से। तो ये देखिए ये जाना शुरू हो गए हैं, ये सब इनको कवर करके लेके आ रहे हैं यहाँ पे। अब हालांकि अंधेरा इतना था कि पहचान में नहीं आ रहा था कि सिंगर कौन सा है, तो बस मैं तो तुक्का ही बढ़ा रहा था कि कौन सा हो सकता है क्योंकि मैं शक्ल से नहीं जानता था। मैंने अभी सर्च करके देखा अमित त्रिवेदी को, तो ये फॉर्च्यूनर में अमित त्रिवेदी गए और उसके बाद जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उनमें उनके साथ ही गए बैठ के। एंड अच्छा लगता है यार जब ऐसे इंडस्ट्री आसपास दिखती है तो अच्छा लगता है वाकई में। एंड मुझे काफ़ी शोज़ मैंने अटेंड किए हैं इस तरीके के, तो बहुत सही माहौल होता है ये। तो बस ये एक छोटा सा वीडियो था, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मिलते हैं जल्द ही नए एक वीडियो में। तो अभी के लिए टाटा बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, दिल से अपना ख्याल रखिए।